हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 16 नवंबर 2018 की प्रीलिम्स बेटर सीरीज में आपका स्वागत है। देखो, आप जो भी पीडीएफ है वो टेलीग्राम का ये लिंक है। टेलीग्राम पे आप जाके और वेलकम यूपीएससी के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको जितनी भी पीडीएफ है वो मिल जाएंगी। इसके साथ और भी जो कोई नई पीपीटी वगैरह पीडीएफ वगैरह अपलोड की जाती है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड है वो कर सकते हो। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, फिर हम चलेंगे हमारे डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आया है बेसिकली प्रॉक्सी वोटिंग को लेकर। क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में भारतीय चुनाव के संदर्भ में केवल एक्स को प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान की अनुमति है वो दी गई है। तो यहाँ पूछा गया कि एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है एनआरआई, दूसरा है कि सर्विस पर्सनल, तीसरा है कि डिसेबल और चौथा है कि ऑल ऑफ अबव। तो देखो, काफी सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक हमारे देश के अंदर जितने भी इलेक्शन होते हैं उसमें अभी तक जो अनुमति दी गई है वो केवल और केवल सर्विस पर्सनल्स को दी गई है। आगे विचार किया जा रहा है कि एनआरआई वगैरह है इनको भी अनुमति दी जाए, बट अभी तक वो मान्य या पास से वो नहीं हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखना कि अभी तक एट प्रेजेंट है वो सर्विस पर्सनल्स को ही बेसिकली अनुमति है वो दी गई है कि वो प्रोक्सी वोटिंग के थ्रू वोट है वो कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के बारे में। तो क्वेश्चन यह है कि एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर को प्रायोजित किया गया है किनके द्वारा। पहला ऑप्शन दिया गया है भारत और जापान, दूसरा दिया गया भारत और साउथ अफ्रीका, तीसरा है कि जापान और साउथ अफ्रीका और चौथा है कि भारत और अफ्रीकन यूनियन। तो ये हमें इसके बारे में बताना है। देखो, इसके बारे में थोड़ा हम बैकग्राउंड देखते हैं तब हमें ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली हम बात करें चाइना की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की। तो देखो, जो OBOR जो इनिशिएटिव है चाइना का वो क्या है कि जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड, जैसे कि आपको पता है कि ये तो ऑलमोस्ट ऐसे इंडिया हो गया, ये फिर इधर आसियान कंट्रीज हो गई और ये फिर यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज है वो यहाँ पे आ जाती हैं बेसिकली ऐसे ऐसे। तो देखो, चाइना क्या चाहता है कि इस यूरोप के साथ भी अपनी कनेक्टिविटी हो जाए और इधर एशिया के साथ तो है ही है और इसके साथ ही बाकी अफ्रीकन कंट्रीज की भी अपनी पहुंच बने। इसके लिए बेसिकली वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव लाया गया और इसका प्रावधान है कि मेन मेन सभी जगह कनेक्टिविटी है वो की जाए और अपना ट्रेड को बूस्ट किया जाए। देखो, ट्रेड वो बूस्ट करने का मतलब है कि चाइना चाहता है कि उसकी प्रेजेंस सब जगह हो जाए, मतलब अफ्रीका में भी हो जाए। क्योंकि देखो, अफ्रीका में जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। वहाँ पे क्या है कि एक तरीके से अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं है, वो भी अभी वहाँ अफ्रीका की जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं वो अभी लीस्ट डेवलपिंग स्टेज में ही है। तो उनके पास रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं और उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो चाइना चाहता है कि यार हम इसका बेनिफिट ले सकें। इसके लिए चाइना ने वर्ल्ड बैंड वर्ल्ड रोड इनिशिएटिव चलाया और इसी के तट पे इंडिया और जापान ने बेसिकली एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है उसको स्टेबलाइज करने की बात है वो की। देखो, अभी तक खैर ये बना नहीं है, केवल बात ही की गई है, तो इसका बेसिकली हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो आया है मा प्रोग्राम के बारे में। तो क्वेश्चन ये है कि मा प्रोग्राम है वो इनिशिएटेड किसके द्वारा है। पहला ऑप्शन दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, दूसरा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तीसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और चौथा है कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। तो देखो, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ऑब्वियसली इसमें ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, बाकी तीनों है वो गलत हैं। अब हम चलते हैं हमारे डिस्कशन की तरफ। सबसे पहला जो आर्टिकल आया है वो आया है पॉइंट केलिम्रे सेंचुरी को लेके। देखो, 2-3 बार इसको लेके न्यूज़ है वो आ गई है। तो पॉइंट केलिम्रे सेंचुरी सबसे पहली बात है कहाँ पे, फिर हम कंटेक्स्ट को जानेंगे। देखो, बेसिकली हम इंडिया की रामसर साइट्स की बात करें तो जो मैन मैन रामसर साइट्स हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए और स्पेशली स्टेट पीसीएस में स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। तो तमिलनाडु की एकमात्र एक रामसर साइट है जिसका नाम है पॉइंट केलिम्रे वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरी भी दोनों है यहाँ पे, तो ये हमें ध्यान में रखना है। यह बेसिकली बेहो बंगाल वाले एरिया में है, तो ये इसका इफेक्ट बेहो बंगाल वाले बॉर्डर पे कोस्टल एरिया पे है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि पॉइंट केलिम्रे वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी है वो एक रामसर साइट है तमिलनाडु की, और तमिलनाडु की एकमात्र रामसर साइट है। तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है। देखो, भोज वेटलैंड है वो कहाँ पे है, भोज वेटलैंड है वो एमपी में है। राजस्थान में कौन सा है, सांभर, और इसके साथ केवलादेव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ बात करें यूपी के अंदर है वो अपर गंगा रिवर है। और अहम क्या है, अहम देखो हमें यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए और इसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा है, वुडल लेक है, तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान है वो रखना होता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेसिकली। और नल्ला सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, ये है बेसिकली गुजरात में। देखो, इस तरीके से मैप में हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं ना तो काफ़ी सारी चीज़ों का रिविजन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारा केवल फोकस पर्टिकुलर पॉइंट केलिम्रे वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी पे ही है, हम यहाँ पे और भी चीज़ें देखने की कोशिश वो कर रहे हैं। जैसे कि अष्टमुड़ी वेम्बनाड है, ये कहाँ पे, अष्टमुड़ी आपको पता है केरला में है, तो इसका बारे में हमें थोड़ा पता है वो होना चाहिए कि भाई ये है कहाँ पे। भितरकनिका कहाँ पे, भितरकनिका है वो उड़ीसा में है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चिल्का भी कहाँ पे, उड़ीसा में। कोलेरू लेक कहाँ पे, ये भी एक आपको पता है कि रामसर साइट है जो आंध्र प्रदेश में है बेसिकली।
इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट की भी जो मैन मैन है उनके बारे में पता होना चाहिए। लोकतक लेक काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके साथ ही बात करें यहाँ पे ईस्ट गेट कलता वेल ट्रेंड हो गया और यहाँ पे डिपोर बेल हो गया, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया है वो एक होना चाहिए। अब हम चलते हैं कंटेक्स्ट की तरफ। देखो पॉइंट केन में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसमें हो क्या रहा है कि इसके आसपास के जो पानी के स्पॉट है, पानी के जो एरिया है ना, वहाँ पे काफी ज्यादा पोल्यूशन फैलने लग गया है, तो इसलिए वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पे खतरा फैलने है वो लग गया है। क्यों? क्योंकि देखो जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके आसपास के एरिया में काफी बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियां वो लगाई जा रही हैं, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको अनदेखा कर रही है, और उससे काफी ज्यादा नुकसान है वो होने वाला है। तो एक तरीके से जो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर है वो बदल रहा है, जो पीएच इसके आप उसको बोलते हो कि अम्लता है वो बदल रही है, इसका सैलिनिटी है वो भी चेंज हो रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इको सेंसिटिव जोन था वो खतरे में जा रहा है और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को नुकसान है वो होने वाला, तो उसको लेके भी न्यूज है वो आ रही है। अब देखो आपको एक चीज बताऊँ, यहाँ पे जो कोलिफोम माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। अब कोलिफोम माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन किससे रिलेटेड है, ये यूपीएससी पूछ सकती है कि रिसेंटली कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बेसिकली इस तरीके का इन्फेक्शन देखने को मिला है, तो हमें ध्यान में रखना है कि पॉइंट केलिमले सेंचुरी में। देखो कोलीफ्लोर जो माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है बेसिकली वो एक तरीके से गड़बड़ा जाता है, तो इससे जो वहाँ पे पक्षी पाए जाते हैं या बोल सकते हो कि एनिमल्स पाए जाते हैं, उनकी जो लाइफ है या उनका जो डेली का रूटीन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित है वो होता है, और उनको माइग्रेशन वगैरह में भी दिक्कत है वो आने लग जाती है। तो बेसिकली ये कंटेक्ट है, तो उसको लेके हमने यहाँ पे डिस्कस है वो किया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है युवा सहकार कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम को लेके। तो देखो इस स्कीम्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम इसकी इंप्लीमेंटिंग जो एजेंसी है उसको डिस्कस करते हैं कि ताकि हमें अच्छे से जो कंटेक्स्ट है वो समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले एनसीडीसी यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। देखो आपको पता है कि सहकारी संघवाद काफी इंपॉर्टेंट होता है। सहकारी का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव यानी कि इसमें क्या होता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन है वो काफी अहम होता है। जिस तरीके से अमूल डेयरी है वो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का काफी अच्छा एग्जाम्पल है कि गुजरात में वहां पे किस तरीके से अमूल डेयरी के लिए किसानों ने मिलकर एक संघ बनाया और उसको अच्छे तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में उसकी वैल्यू है वो बनाई है। तो बेसिकली नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो बेसिकली एक स्टेचुरी बॉडी के तौर पे 1963 में बनाया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत। तो ये चीज़ हमें ध्यान में सबसे पहला पॉइंट है वो रखना है। अब जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फेडरेशन है या फिर कोई और सोसाइटी बनाई जा रही है, उसके अंदर बेसिकली फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है वो होती है। देखो अगर कोई भी किसान है, ये मान लो कि किसी एरिया में, हरियाणा का एग्जाम्पल ले लो कि हरियाणा में किसान है, वो आपस में मिलकर कोई एक संघ बनाना चाहते हैं, तो देखो ऑब्वियसली पैसे की जरूरत तो होती होती है स्टार्टिंग में, तो उसके लिए जो भी फंड उनको चाहिए तो वो फंड बेसिकली यहाँ पे एनसीडीसी के द्वारा प्रोवाइड है वो करवाया जाता है। मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह को वो बेसिकली इसके द्वारा एनसीडीसी के द्वारा दी है वो जाती है। तो अभी एनसीडीसी ने युवा सहकार कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम है वो लॉन्च की है। देखो बेसिकली स्कीम के नाम से हमें समझ में आ रहा है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनके अंदर बेसिकली इनोवेशन को सपोर्ट प्रमोट करने के लिए बेसिकली स्कीम है वो लाई गई है। तो इसके बारे में हम फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एनसीडीसी है वो उसने एक फंड बना रखा है, और उस फंड का यूज़ कहाँ पे होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह को, संघवाद को पैसे देने के लिए। तो बेसिकली ये जो अभी स्कीम लॉन्च की गई है इसमें 1,000 करोड़ का स्टार्टअप्स हो, इनोवेशंस वगैरह है वो दिए जाएंगे। मतलब कोई नया स्टार्टअप आ रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके, उसको पैसे दिए जाएंगे ताकि उसमें नए इनोवेशन हो सके, नई रिसर्च है वो हो सके, तो उसको लेके बेसिकली कंटेक्स्ट है वो आया है। इसके साथ ही और भी तरह के इनिशिएटिव हैं कोऑपरेटिव, जो कोऑपरेटिव्स के लेके नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी। इसके साथ ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, देखो यहाँ पे बात आ गई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आपको पता है कि हमारे देश में 115 बैकवर्ड जिलों को आइडेंटिफाई किया गया था, वो 115 जिले जहाँ पे क्या है कि रिसोर्सेज तो हैं पर उनको प्रॉपर ढंग से यूज है वो नहीं किया गया। मतलब या तो प्रशासन की लापरवाही बोल सकते हो या फिर लोग अवेयर नहीं थे, कुछ भी रीजन आप मान सकते हो। देखो वैसे रीजन तो आपको पता ही होता है, बेसिकली नक्सलवाद का एग्जाम्पल ले लो, नक्सलवाद क्यों फैलता है, लोगों को एक तो अवेयरनेस नहीं होती है गवर्नमेंट स्कीम की, इसके साथ ही प्रशासन ढंग से काम नहीं करता है, तो इन सब रीजन्स की वजह से ही वहाँ पे नक्सलवाद प्रमोट होता है। तो इसी तरीके से जो बैकवर्ड जिले हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी चलाया गया था, तो उसके तर्ज पर भी यहाँ पे बात थोड़ी सी की गई है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट डेथ पेनल्टी। कंटेक्स्ट यह है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसमें एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लाया गया था, किस चीज़ को लेके, डेथ पेनल्टी को लेके, कि भाई डेथ पेनल्टी है उसको बैन करना चाहिए, वो सही नहीं है। तो इंडिया ने इसके अगेंस्ट वोट है वो किया है। अब आपको थोड़ा ताजुब हो रहा होगा कि भाई इंडिया तो ऐसा कैसे कर सकता है कि मतलब डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट,
देखो आपको बताया कि हमारे संविधान में बेसिकली फांसी या मृत्युदंड का प्रावधान है वो किया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात भी लिखी हुई है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मतलब बहुत ही रेयर केस में फांसी वो दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने मार दिया, कोई भी ऐसा कुछ क्राइम कर दिया तो आप उसको फांसी दे दो तुरंत, लास्ट केस में, कि हाँ भाई इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे लोगों को तो फांसी देनी ही चाहिए। उसी कंडीशन में हमारे देश में लोगों को फांसी है वो दी जाती है, मृत्युदंड है वो दिया जाता है। जिस तरीके से कहा जाता है ना कि इंडिया के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बेसिकली अपनी सिक्योरिटी के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटैक के लिए हैं। अगर कोई कंट्री इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक करती है तो उसके बाद इंडिया यूज़ करेगा, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले अटैक कर दें, तो वो भी ध्यान में हमें रखना है एक तरीके से। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही इंडिया में डेथ पेनल्टी या मृत्युदंड का यूज है वो किया जाता है कोर्ट फोर्स के द्वारा। अब देखो बात है, इंडिया ने इसके अगेंस्ट इसीलिए वोट किया है क्योंकि हमारे जो संविधान के आप बोल सकते हो कि जो भी कानून है उनके एक तरीके से अगेंस्ट है ये चीज़ कि भाई डेथ पेनल्टी को बैन किया जाए, क्योंकि हमारे संविधान में तो इस चीज़ का प्रावधान किया गया है कि भाई फांसी है वो दी जा सकती है। और ये तो यूनाइटेड नेशन का जो रिजोल्यूशन है वो तो क्या था, वो ये था कि भाई डेथ पेनल्टी को बैन किया जाए, तो इसलिए इंडिया के संविधान के अगेंस्ट हो रही है ये चीज़, और इसीलिए इंडिया ने इसके अगेंस्ट वोट है वो किया है। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात ये है कि जो डेथ पेनल्टी है, मृत्युदंड है, क्या वो जरूरी है? देखो बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या फिर जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कंट्री हैं, जिस तरीके से हम स्वीडन डेनमार्क की बात करें, वहाँ पे तो देखो डेथ पेनल्टी को एक्चुअली बैन है वो किया गया। क्यों? क्योंकि देखो वहाँ पे तो सोसाइटी क्या है कि ऑलरेडी काफ़ी एक समझदार और एक बहुत ही बड़े लेवल पे पहुँच चुकी है, तो वहाँ के लोग इस चीज़ को समझने लग गए हैं। बट अभी हमारे देश में क्या है कि काफ़ी इश्यूज़ हैं, इसकी वजह से लोगों को एक्चुअली, मतलब आप बोल सकते हो कि थोड़ा परेशान करके, जो लोग गलत काम करते हैं उनको टॉर्चर करके और उनको ढंग से उनका माइंड सेट करने के लिए बेसिकली डेथ पेनल्टी है वो जरूरी है। तो यह चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि डेथ पेनल्टी का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान वगैरह किया गया है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ड्राफ्ट में इंडिया ने इसको अगेंस्ट वोट है वो दिया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है मेगा फूड पार्क स्कीम को लेके। देखो मेगा फूड पार्क जो स्कीम है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्कीम है। तो इसके लेके बेसिकली कंटेक्स्ट यह है कि अभी एक नया मेगा फूड पार्क है, तीसरा वो बेसिकली महाराष्ट्र में स्टेब्लिश है वो किया गया है। तो हम देखो इसके बारे में जानते हैं कि फूड पार्क स्कीम है क्या, बेसिकली किस तरीके से काम है वो करती है, तो इसके लिए हम थोड़ा जो मॉडल है इसका उसको हम अच्छे से स्टडी है वो करते हैं। देखो बेसिकली जो फार्मर्स ग्रुप्स होते हैं या फिर जो स्वयं हेल्प ग्रुप होते हैं या फिर इंडिविजुअल फार्मर हैं, वो फसलें प्रोड्यूस करते हैं। ये मान लो कि कोई भी किसान है वो फसल वगैरह प्रोड्यूस कर रहा है, टमाटर वगैरह। अब आपको पता है कि टमाटर तो 2-4 दिन में ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं फार्मर्स वगैरह इस स्कीम के तहत कि एक जो कलेक्टर सेंटर होते हैं, कलेक्शन सेंटर्स, वहाँ पे बेसिकली फार्मर्स हैं वो चीज़ें अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब गांव में जगह जगह पे एक सेंटर बना दिए जाते हैं, वहाँ पे फार्मर्स अपनी चीज़ें पहुँचा देते हैं कि हाँ भाई ये टमाटर प्याज जो भी है। इसके बाद में वहाँ से जो टमाटर प्याज इकट्ठे हुए हैं उनको एक प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर पर ले जाया जाता है, और प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर पर क्या होता है, उनको थोड़ा कूलिंग वगैरह किया जाता है, उनको थोड़ा साफ वगैरह किया जाता है, उनकी थोड़ी वैक्सिंग वगैरह, मतलब टेम्परेरी स्टोर उनको किया जाता है ताकि वो थोड़ा 8-10 दिन और निकालें। इसके बाद में उनको और थोड़ा टाइम के लिए फिर उनको भेजा जाता है मेगा फूड पार्क में, वहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। मतलब जैसे ये मान लो कि आलू भेजे गए हैं तो आलू के चिप्स वगैरह बना दी गई, इस तरीके से कुछ चेंज कर दिया गया, या फिर उनको लंबे टाइम के लिए स्टोर कर दिया गया, या फिर उनको बाहर एक्सपोर्ट है वो कर दिया जाएगा। तो मतलब जैसी भी डिमांड है, जैसा भी जहाँ भी जरूरत है उसके मुताबिक उसका यूज है वो कर लिया जाता है, या तो उसको इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है, या फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू उसका सेल वगैरह वो कर दी जाती है। तो इसमें फायदा क्या होता है, इसमें आपने देखा, देखो जो फार्मर्स या फिर जो स्वयं हेल्प ग्रुप हो गए या फिर इंडिविजुअल पर्सन है, इनकी देखो इनकम बढ़ जाती है। अदरवाइज क्या होता है, किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं जल्दी और उनको पैसे नहीं मिल पाते हैं उचित, क्योंकि देखो मंडी में तो उन्हें आलू टमाटर प्याज बेचने पड़ेंगे, अगर वो नहीं बेचेंगे तो ऑब्वियसली फसल खराब हो जाएगी तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो सस्ते दामों में बेच देते हैं तो उनको उचित मुनाफा नहीं होता है। तो जो फूड प्रोसेसिंग जो स्कीम है बेसिकली मेगा फूड पार्क की, इसमें होता क्या है कि किसानों के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको प्रोसेस कर दिया जाता है ताकि वो लंबे टाइम तक स्टोर रह सकें, इसका उनका कुछ एडिशंस भी कर दिया जाता है, जैसे कि टमाटर है तो उसका टोमेटो एक तरीके से सॉस वगैरह बना दिया गया, फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया या फिर उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया, तो उससे क्या है कि किसानों को मुनाफा मिल जाता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट जगह जगह पे मेगा फूड पार्क है वो स्टेब्लिश कर रही है, तो उसी को लेके बेसिकली कंटेक्स्ट और न्यूज है वो आई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है यंग चैंपियंस अवार्ड को लेके। देखो इसमें कंटेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत और यूनिसेफ, इन दोनों ने मिलके यंग चैंपियंस अवार्ड है उसको डिक्लेयर किया है। अब देखो नीति आयोग का एक मिशन था अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन में ये प्रावधान किया गया था कि जो स्कूली बच्चे हैं 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के,
उन बच्चों को बेसिकली एक तरीके से स्किल्स हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है वो दिया जाएगा। जैसे कि मान लो कि 6th क्लास या 7th क्लास का कोई बच्चा है, उसको कंप्यूटर में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसको एक तरीके से कंप्यूटर की या फिर आप सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा कुछ सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग वगैरह दी जाएंगी, इनोवेटिव उसके आइडियाज़ हैं उनको एक तरीके से बड़े लेवल पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जगह जगह पर अटल टिकरिंग लैब है वो बनाई। मतलब कि इन लैब्स में होगा क्या, बच्चे जाएंगे और यहाँ पे अपने जो भी उनके आइडियाज़ हैं उनको यहाँ पे रियल में इंप्लीमेंट करने की कोशिश है वो किया जाएंगी। अगर अच्छे आइडियाज़ हैं तो उनके बारे में और उनसे राय ली जाएगी और ऐसे उनको इम्प्लीमेंट है वो किया जाएगा। एक तरीके से हम बोलें तो अटल टिकरिंग लैब है, उनका मेन मोटो यह है कि कल्टीमेट 1 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया एज न्यूएटिक इनोवेटर्स। मतलब हमारे देश में 1 मिलियन चिल्ड्रन को एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना के तैयार करना है, ताकि हमारे देश की इनोवेशन और रिसर्च को प्रमोट है वो किया जा सके। तो इसके लिए बेसिकली अटल टिकरिंग लैब्स वगैरह बनाई गई हैं। तो अभी क्या हुआ था, अटल टिकरिंग मैराथन हुआ था। मतलब जो लैब्स के अंदर जो बच्चे आते थे अटल टिकरिंग लैब में, उन बच्चों में से कुछ लोगों को, सिलेक्टेड बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया और उनके जो आइडियाज़ हैं फिर उनकी जो टैलेंट है उसको लेके बेसिकली एक अवार्ड्स हैं वो दिया गया है। तो यूथ चैंपियंस अवार्ड के बारे में ध्यान है वो रखना है कि अटल इनोवेशन मिशन और यूनिसेफ, और अटल इनोवेशन मिशन किसका है, नीति आयोग का है। तो इसलिए यहाँ पे यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट दे सकती है कि नीति आयोग का है भाई, तो हाँ हमें पता होना चाहिए। चलो आप यूनिसेफ के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूनिसेफ के बारे में जो भी डिटेल्स आप जानते हो वो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बारे में इसके आगे भी डिस्कस करेंगे। तो देखो बेसिकली ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।